ऐसा जब अपने विधानसभा क्षेत्र में मेरा आना नहीं हुआ, आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया हूँ। वस्तु कार्यक्रम तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के हमारे होते रहे, इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन, लेकिन एक्चुअल कार्यक्रम आज हमने थोड़ा सा ये किया जिसमें हमने जनसभा को अवॉइड किया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का और सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोविड के प्रोटोकॉल के मुताबिक। लेकिन लोगों को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुन करके उनके समाधान करने की दृष्टि से लोगों से मिलना हुआ है, और जिसमें आज जहां फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन का जो है लगभग 9 करोड़ 20 लाख की लागत से लगभग 6 हमारी ये सारी योजना जो है वो आज हमने समर्पित की है। उसके अतिरिक्त पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा भी हुई और उनके साथ बातचीत भी हुई है, संगठन के साथियों के साथ भी बातचीत हुई है। अब मैं लोगों के साथ मिलूंगा, उसके बाद मैं ऑफिशियल मीटिंग ऑफिसर्स के साथ भी करूँगा। मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ और विधायक होने के नाते जो एक लंबे समय से लोगों के साथ बैठ करके बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था, लोगों को अपनी समस्याओं का जिक्र करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था कोविड के चलते, तो वो अवसर हमने आज दिया काफ़ी हद तक। और इस तरह से आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा अलग अलग इलाके में, अलग अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में जा कर के लोगों से मिलूँ, लोगों की समस्या को सुनूँ और उसका समाधान। आज के कार्यक्रम में सिर्फ मैं इतने कहना चाहता हूँ कि आज विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जो भी बन पाया है 3.5 वर्ष के कार्यकाल में वो आपके सामने है। सड़कों का निर्माण करना यहाँ की बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, और हम हमेशा ही एक ही बात कहते थे, जहाँ भी हम राज्य विधानसभा क्षेत्र में गांव में जाते थे लोग एक ही मांग करते थे, सड़क सड़क सड़क। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक आधी पंचायत को छोड़ करके सभी पंचायतों को, 77 पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, सभी पंचायतों को हमने सड़क के माध्यम से जोड़ने में सफलता हासिल की। जब मैं विधायक बना था पहली बार तो 16-17 पंचायतों को सड़क की कनेक्टिविटी थी, आज 77 पंचायतों को रोड कनेक्टिविटी के साथ हमने जो है वो जोड़ा है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि, लोगों के पीठ का बोझ उतारने में हमने सफलता हासिल की। और भी जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में होंगे उनको निश्चित रूप से गिरफ करें, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ का विधायक हूँ, यहाँ के क्षेत्र के जो इश्यूज हैं, मसले हैं, उनका समाधान करना मेरा दायित्व है। सर, हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर रोजाना 2 घंटे की पैंडाउन स्ट्राइक पे हैं, आपके ध्यान में भी ये बात आई होगी, क्या कुछ सरकार इस पे विचार कर रही है, लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है रोजाना 2 घंटे। मैं आप सबके माध्यम से, आज नेशनल डॉक्टर डे है आज, तो इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस कोविड के संकट में, अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उन्होंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। ऐसी सूरत में जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास, क्या रास्ता उस पर निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस सारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल जानी बाकी है, घोषणा उन्हें जरूर की है लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, क्या क्या इम्पैक्ट्स किस किस वर्ग को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे वो सारी चीज़ों को उसके बाद कहना उचित रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और उनसे मेरा निवेदन है कि मिल बैठ करके जो रास्ता निकलता होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो स्ट्राइक पर जो जाने की बात है उस पर अगर ना जाए तो हमें अच्छा लगेगा।